हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना। फ्रेंड्स, आज आप जानने वाले हैं कि ओला से जुड़ के कैसे बिजनेस किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए, फोर व्हीलर कार हो या स्कॉर्पियो हो। इस तरह से अगर अच्छी गाड़ी है तो आपके घर में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि अपने यूज के बाद वो बेकार पड़ी रहती है। तो इस परिस्थिति में आप चाहें तो उससे पैसा अर्न कर सकते हैं, या सेकंड चॉइस ये है कि आप केवल ओला के लिए ही गाड़ी खरीदें। जैसे सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लें, बहुत सारी गाड़ियाँ बिक रही हैं, डॉक्यूमेंट्स उसका चेक कर लें, अच्छी तरह की अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। अब ये गाड़ी आपको ओला से अटैच करना है। अटैच करने की प्रक्रिया है, कैसे उससे जुड़ना है, कैसे उससे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम गाड़ी लगा रहे हैं, साथ ही आपको अपना खुद का ड्राइवर होना चाहिए। अगर आपका ड्राइवर नहीं रहेगा तो ओला ड्राइवर प्रोवाइड नहीं करती है। गाड़ी, ड्राइवर सब कुछ आप ही का रहेगा। बस आपको एक ऐप के माध्यम से आपको जोड़ देगी और जुड़ने के बाद जो भी आपके गाड़ी पर बुकिंग होता है वो सीधे आपके अकाउंट में जाएगी। न कि किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है कि हमारी गाड़ी कितनी काम की, कितनी नहीं की, कितना दिन में काम हुआ, ड्राइवर कहाँ है। ये सब सारा टेंशन आप एक ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल से घर में बैठे ही आप देख सकते हैं। तो इसमें इस बिजनेस से जुड़ने का मेन उद्देश्य ये है कि आप कहीं और रह के आप कुछ और काम करके इसको चला सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसको जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, ना इसका प्रेशर होगा आपके ऊपर। तो ऐसे बिजनेस को करना ज़्यादा आज के समय में उपयोगी साबित हो सकता है कि और बिजनेस के अपेक्षा। अब आइए समझते हैं कि इसमें ओला के साथ कैसे जुड़ेंगे। ओला के साथ जुड़ना है तो गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स जितना है आपके पास, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, पैन होना चाहिए आपका, कैंसिल चेक या पासबुक, आधार होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। अब ये जो ऑनर है उनका होना चाहिए। अब गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? कार का डॉक्यूमेंट्स जैसे आरसी, परमिट, इंश्योरेंस। अब यही चीज़ कार के लिए ज़रूरी है। ड्राइवर के लिए DL, आधार और रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लेके कहीं भी ओला ऑफिस के पास जाएंगे, वहाँ पे आप सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद 10 दिन तक आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती रहेगी। जब कंपनी आपके पेपर से संतुष्ट हो जाएगी तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिल जाएगा फिर आपकी गाड़ी ऐड हो जाएगी, आपको ऐप से ऐप आपको दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड करेंगे और सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। अब इसमें इनसे जुड़ने का मतलब ये भी है कि आपको ये समय समय पर बोनस भी देते हैं। जैसे बुकिंग पर अगर एक दिन में अगर 12 पिकअप आपने कर लिया तो इनका 400 से 600 बोनस मिलता है। एयरपोर्ट पे अगर पिकअप करते हैं तो भी 200 रुपये बोनस मिलता है। तो इस तरह से फेस्टिवल के अवसर पर भी बोनस देते रहते हैं और ये बोनस समय के हिसाब से बदलते रहता है। तो आपकी गाड़ी जितनी काम करेगी, आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ दिन भर रन की है, ये सारी सूचनाएं ऐप के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और सीधा अकाउंट में आपका जो भी पैसा अर्न करेंगे जाता रहेगा। तो इस तरह से बिजनेस आप चाहें तो कर सकते हैं। और नई गाड़ी नहीं और ख़रीद सकते तो पुरानी सेकंड हैंड भी गाड़ियां परचेज करके ये बिजनेस कर सकते।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।